तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आप जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सर्च करना है प्रमोद राणा। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये प्रोफाइल खुल जाएगी, और जल्दी से दोस्तों फॉलो के बटन पर क्लिक कर लीजिए तो आप मैसेज भी कर पाएंगे। और दोस्तों वहाँ पर सभी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आप स्वयं देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का कोर्स डाल चुके हैं, करंट अफेयर, ऑल इंडिया एमपीबीएससी से रिलेटेड या एमपीपीईबी से रिलेटेड सभी करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। सभी दोस्तों जितने भी कोर्सेस हैं और रोज कोर्सेस डाले जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाके जोड़ सकते हैं। और पीडीएफ फाइल भी दोस्तों आपको वहां बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएगी, और डेमो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो अब मैं ले चलता हूँ डायरेक्ट आपको ऑफिशियल न्यूज़ पे। पहले तो आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख लीजिए, फिर मैं आपको डायरेक्ट ऑफिशियल भी बता दूंगा। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड भोपाल द्वारा हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मध्य प्रदेश शासन के ये अंतर्गत आई है। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण वही प्रबंध संचार एवं ब्रांडिंग राज्य कार्यालय के लिए और कौशल विकास और रोजगार के लिए जिला फैसिलिटेटर के 77 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों में आरक्षण मध्य प्रदेश शासन के अनुसार लागू होगा। और ये कह रहे हैं कि विस्तृत जानकारी आपको लेनी है तो आप अच्छे से पूरी वेबसाइट पे जाइए और अच्छे से करिए। अपेक्षित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कोई भी शुद्धि पत्र केवल वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। आवेदन कब से दोस्तों 24 सितंबर 2018 से शुरू होंगे, और कब तक होंगे? आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2018 होगी। अति मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल साइट पे। तो पहले तो आप दोस्तों ये ऑफिशियल साइट यहाँ पे देख लीजिए, www.mpskill, या आप देख सकते हैं mpskills.gov.in की साइट पे हैं। तो आपको दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ डाउनलोड्स पे क्लिक करना होगा। इस जो ऑफिशियल साइट है उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डाउनलोड में जाके दोस्तों आपको नोटिस पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप नोटिस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दोस्तों दिख जाएगा 20/9/2018 की ये न्यूज़ है, प्रबंधक संचार एवं ब्रांडिंग तथा जिला फैसिलिटेटर पद के लिए भर्ती। तो आप जैसे ही दोस्तों यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों ये वाला पेज खुल जाएगा, नोटिस टाइटल और बताया गया, और पूरा ये देखिए दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने पहले से ही दोस्तों कर रखा है, और अब इसके लिए पूरी देख लेते हैं अच्छे से। तो दिनांक 19/9/2018 को ये प्रकाशित हुआ था कि पद के लिए संविदात्मक आधार पर ये भर्ती की गई है। पदों की संख्या देख लीजिए दोस्तों, कौशल प्रबंधक संचार और ब्रांडिंग यानी राज्य कार्यालय के लिए ओनली एक पोस्ट निकली है। किस पर? संविदा बेस पे यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकली है। प्रारंभिक 3 साल के लिए, जो अधिकतम 5 साल तक पढ़ सकता है। पर मंथ देख सकते हैं आपको कितने मिलेंगे दोस्तों, 75,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। और कौशल विकास और रोजगार के लिए जिला फैसिलिटेटर यानी जिला स्तर पर भर्ती निकली है। पद कितने हैं? 76 पद हैं। संविदा बेस पे यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, और 60,000 रुपीज आपको पर मंथ मिलेंगे। आप देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता में देख लीजिए दोस्तों, जो जिसकी एक पोस्ट आई थी यानी कौशल प्रबंधक संचार और ब्रांडिंग के लिए एमए होना चाहिए, जनसंचार या पीजीडीएम से होना चाहिए। तो यदि आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अनुभव होना चाहिए न्यूनतम 2 वर्ष का। उसके बाद दोस्तों जो 76 पोस्ट निकली है किसके लिए, कौशल विकास और रोजगार के लिए जिला फैसिलिटेटर की जिला स्तर पर, उसके लिए दोस्तों आपके पास एमबीए होना चाहिए या फिर पीजीडीएम होना चाहिए या फिर पीजीडीएम पीजीडीबीएम होना चाहिए या फिर पीजीडीएम, इन तीनों में से एक होना चाहिए, और अनुभव की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आपने यदि एमबीए कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा देख लीजिए 1 जनवरी 2018 से गिनी जाएगी, मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं 40 वर्ष हो जाएगी अनारक्षित के लिए। फिर उसके बाद महिला आवेदक, और ये सब आप अच्छे से देख सकते हैं। जिम्मेदारियां ये आपको बताई गई हैं, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल साइट की जानकारी दे दूंगा, तो आप ऑफिशियल साइट के माध्यम से यहाँ जा सकते हैं। अब ये बताया गया है अनारक्षित में ओपन में 25 सीट, महिलाओं के लिए 13 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 8 सीट ओपन में, महिलाओं के लिए 4 सीट, जनजाति के लिए 10 सीट ओपन में, और 5 सीट महिलाओं के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीट ओपन में, और 4 महिलाओं के लिए हो जाएगा। और ऊपर दी गई 76 पोस्ट की 6% दिव्यांगों के लिए अवश्य आरक्षित है। आरक्षण निम्न प्रवर्गों के लिए ये इस अनुसार रहेगा। आवेदन आपको किस तरह करना है ये आप अच्छे से बता रखा है। इच्छुक अभ्यर्थी अपने विवरण यानी नीचे निश्चित प्रारूप में ईमेल द्वारा यानी सॉफ्ट कॉपी में
इसको जमा कर सकते हैं और उसकी हार्ड कॉपी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ये फैकल्टी ब्लॉक ए कमरा नंबर ये भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर शिखर राव पीतमपुर रोड इंदौर भारत को भेजें। यानी सॉफ्ट कॉपी तो आप ईमेल कर दीजिए और हार्ड कॉपी यहाँ पर आपको इस पते पर भेज देनी है। और ईमेल द्वारा सॉफ्ट कॉपी में आवेदन और हार्ड कॉपी उपरोक्त पते पर बुधवार 31 अक्टूबर 2018 तक पहुँच जाए। दोस्तों 31 सितंबर नहीं है, 31 अक्टूबर है, यानी आपके पास 1 महीना और 9 दिन अभी तक बचे हैं, तो आप इस अनुसार भर सकते हैं आराम से, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। आवेदन फीस देख लीजिए दोस्तों, सामान्य ओबीसी के लिए 500 रुपीज़ है, SC ST दिव्यांग महिलाओं के लिए 250 रुपीज़ है। किस प्रकार जमा करें ये बता गया, जमा करने हेतु निम्न लिंक पर क्लिक करें। आप निम्न लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप आराम से समझ पाएंगे और ये पूरा अच्छे से देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया देख लीजिए, खुले विज्ञापन से की जाने वाली नियुक्तियों हेतु आवश्यक रहता है एवं चयन में अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा। और मैनेजमेंट संस्थान से MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट MBA के समतुल्य में प्राप्तांक अंकों का पर 40 अंक मिलेंगे। अनुभव ये बताया गया, अनुभव है तो 3 वर्ष का अनुभव है तो आपको एक्स्ट्रा 15 अंक मिलेंगे, 2 वर्ष का है तो 10 अंक मिलेंगे और 1 वर्ष का अनुभव है तो 5 अंक मिलेंगे। इसी के साथ साथ यदि उम्मीदवार स्नातक स्तर पर तकनीकी या इंजीनियरिंग डिग्री धारित करता है तो उसे 10 अतिरिक्त अंक प्रदाय किए जाएंगे। साक्षात्कार के लिए 35 अंक आपको चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। योग्यता की सामान्य शर्तें, आवेदक भारत का नागरिक हो, ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। उसके बाद दोस्तों अन्य नियम और शर्तें ये देख लीजिए, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देख लीजिए दोस्तों, आवेदन भरने 24/9/2018 से 31/10/2018 तक भरे जाएंगे, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। बात देख लीजिए दोस्तों, आपको ये किस तरह भरना है। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण भोपाल द्वारा आप यहाँ फोटो लगा दीजिए और अच्छे से, मतलब पूरी अच्छे से आप वीडियो को देख सकते हैं कि किस किस तरह जानकारी भरना है। पूरा नाम, पहला नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, और ये अच्छे से आप देख के वीडियो को पॉज करके अच्छे से जानकारी को भर के आप देख सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अनअकैडमी पे जाके भी हमारे साथ जोड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ जाके मैसेज के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको सर्च करना है प्रमोद राणा। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।